बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। मैं अमजद पठान। आज हम आए मरीन लाइंस बड़ा सोनापुर कब्रिस्तान में। यहाँ पर एक इश्यू दो दिन पहले उठा था, कोई चैनल के माध्यम से पता चला था कि यहाँ पर इस जगह को जो है साबे निर्माण और एक कोई बिल्डर, वो दोनों ने मिलकर ले लिया था। यहाँ के ट्रस्टी के ऊपर आरोप लगाया गया था। आइए हम बात करते हैं यहाँ के मैनेजमेंट से और जानते हैं कि पूरी जो हकीकत है वो आखिर में क्या है। और ये वही जगह है जिसका इश्यू जो है बहुत रफ्तार से चल रहा था, उसके बाद में वीडियो एक डाला गया व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कि वो जो न्यूज़ चलाई गई थी वो गलत थी। लेकिन ऐसे गलत न्यूज़ जो है आखिर में लोग क्यों चलाते हैं, बिना कोई चीज़ को जाने हुए ऐसे न्यूज़ को क्यों अंजाम देते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के मैनेजर से। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद जमीर। जमीर भाई, क्या बताना चाहोगे? दो दिन पहले जो सब व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो न्यूज़ चल रही थी उस बारे में क्या बताओगे? अस्सलाम वालेकुम। अभी दो दिन पहले जुम्मा को एक भाई आए थे, तो ज़रा यहाँ का वीडियो निकाले। फिर वो ज़रा गलतफहमी में थे, भाई बोले कि ट्रस्ट की जगह पे दूसरे ने कैसे बोर्ड लगाया ले लिए। तो वो सर को जानकारी नहीं थी, भाई को जानकारी नहीं थी ज़्यादा। तो एक्चुअली ये ट्रस्ट की जगह ही है, यहाँ लैंडलॉर्ड रहते थे ट्रस्ट की, जो ट्रस्ट ने अभी इस जगह को अपना लेडीज़ गुसलखाना और लेडीज़ जो आते हैं मैयतों में उनकी नमाज़ के लिए ये जगह बनाएंगे, वहाँ लेडीज़ गुसलखाना बनाएंगे। तो इसके लिए ट्रस्ट ने लैंडलॉर्ड से ये जगह फिर उन लोग को खाली करके अपने ताबे में लिया है। तो इंशाल्लाह आगे जाके ये बन जाएगा। तो वो जानकारी भाई को नहीं थी, तो भाई ने ज़रा गलत फहमी में फिर भाई ने दूसरा वीडियो भी डाला है कि माफ़ी मांगा है कि मुझे जानकारी नहीं था, मैंने ट्रस्ट से बात किया, अपना जो ट्रस्ट जुमा मुझे ट्रस्ट के जो चेयरमैन है शोएब खतीब उनसे भी बैठ के मीटिंग की है, बात की है। तो उनका गलत फहमी जो था वो दूर हो गया है। भाई ने फिर वापस वीडियो एक डाला कि मेरे से गलत फहमी हो गया था, तो उसके लिए यही इशू था। तो बहुत बड़ा इशू, मतलब वो पूरा चैनल वैनल में चलाए थे। लेकिन यहाँ पर जो है साबे निर्माण का और इसका बोर्ड लगा हुआ था, तो आखिर में वो बोर्ड क्यों लगाया गया था? नहीं, वो तो ऐसा कि वो ट्रस्ट से आप पूछेंगे तो बेहतर वो बता पाएंगे। ऐसा बोर्ड वोट कुछ लगा नहीं था, मतलब ऐसा जस्ट एक वो नहीं, मेरा बोलने का मतलब नहीं समझे आप। जब आखिर में अगर चीज़ नहीं बेची गई है, ठीक है, और ये ट्रस्ट की ही जगह है आपका बोलना है, ठीक है, तो आखिर में साबे निर्माण यहाँ पर कहाँ से आ गया, जो बिल्डर है उस बारे में क्या बताना चाहोगे? वो तो आप ट्रस्ट में पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं, जमीर भाई, लेकिन आप भी मैनेजमेंट संभालते हो, तो आपको भी तो कुछ यहाँ की जानकारी होगी ना, जब भी तो आप मैनेजमेंट पे बैठे हो। बराबर है बात, लेकिन ऐसा है कि ये बात हुआ था उन लोग का जब खाली किए थे, सब बैठ के बात किए थे, उस हिसाब से अभी बोर्ड क्यों लगा है कि वो तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। लेकिन आप ये श्योर कह सकते हो कि यहाँ पर गुसल खाना है लेडीज़ लोगों के लिए बनाया जाएगा? जी, ये गुसल खाना ही बनेगा है लेडीज़ के लिए, नमाज़ के लिए, और लेडीज़ गुसल खाना ही बनेगा। और कभी से उसका काम शुरू होने वाला, कुछ इस बारे में बताना चाहोगे? BMC से अभी कैसा परमिशन के लिए बात की है, लेटर वेटर डाले है, तो BMC के ऑफिसर लोग आके ये मेजरमेंट जो भी है देखेंगे, फिर वहाँ से जब परमिशन आएगा इंशाल्लाह काम चालू हो जाएगा। यहाँ पर वो बोर्ड जो है लगाया गया है, अभी वो बोर्ड निकाला गया है। ये दीवार के ऊपर आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यही दीवार के ऊपर एक बड़ा बोर्ड लगाया गया था, साबे निर्माण और एक कोई बिल्डर का बोर्ड लगाया गया था, लेकिन अभी वो निकाल चुके हैं। और इनका कहना है कि वो सब आरोप था, वीडियो बना के व्हाट्सएप के ऊपर एक इश्यू पैदा किया गया था कि ट्रस्टी ने जो है इस जगह को बेच दिया है। लेकिन यहाँ पर अभी मैनेजमेंट से हमने बात किया, मिस्टर जमीर से, उन्होंने बताया कि ये लेडीज़ लोग का जो है गुसल खाना बनने वाला है। आप देख सकते हैं कब्रिस्तान, देखिए बड़ा सोनापुर, यहाँ पे लोगों के लिए काफ़ी इंतजाम भी किया जाता है। अभी देखना यह है कि BMC जो है यहाँ के जो पेपर है वो कब मतलब उस काम को अंजाम देंगे, यहाँ पर कब गुसल खाना बनेगा। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।